आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट का नाम है इंटरपोलेशन विथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फाइनाइट डिफरेंस। इसमें हम फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस ये सब बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। इसका जो साइन है इस प्रकार से रहेगा डेल। इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में डेल, इसको हम डेल रीड करते हैं, DEL डेल। डेल वाई आर का फार्मूला होता है वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बनानी आना चाहिए। एस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, वाई का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको निकालना रहेगा डेल वाई। डेल वाई कैसे निकालोगे, वाई वन माइनस वाई जीरो, इन नीचे से ऊपर को माइनस करना है, वाई वन माइनस वाई जीरो, और जो भी आंसर आएगा इन दोनों के सेंटर में लिखना। वैसे ही ये वाला क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, फिर y3 थ्री माइनस वाई टू और y4 फोर माइनस वाई थ्री। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, फिर से डेल y1 वन माइनस डेल वाई जीरो, डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू, ये सेकंड डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ पर जो x1 होता है ये x0 जीरो प्लस एच होता है, x2 जो होता है वो x1 वन प्लस एच होता है, x3 जो है f2 टू प्लस एच होता है। मतलब x1 को आप लिख सकते हो x0 जीरो प्लस एच, f2 को x0 जीरो प्लस टू एच, एस थ्री को एक जीरो प्लस थ्री एच, एक्स एन को एक जीरो प्लस एन एच। एक क्वेश्चन करते हैं जिसे समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन। एक टेबल हमें दिया गया है और बोलता है फाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करना है। तो एस का वैल्यू क्या दिया है, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी। टेन टेन में टेन प्लस करेंगे ट्वेंटी आएगा, ट्वेंटी में टेन प्लस करेंगे थर्टी आएगा, थर्टी में टेन प्लस करेंगे फोर्टी आ जाएगा। ये हमें एस का वैल्यू दिया है। वाई का वैल्यू क्या दिया है, वन पॉइंट वन, टू पॉइंट जीरो, फोर पॉइंट फोर, सेवन पॉइंट नाइन। तो एस का वैल्यू और वाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, टू पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट वन, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करने हैं। टू पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट वन क्या आएगा, जीरो पॉइंट नाइन आएगा। वैसे ही फोर पॉइंट फोर माइनस टू पॉइंट जीरो क्या आएगा, टू पॉइंट फोर, और 7.9 माइनस 4.5 3.5 आएगा। मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा इन दोनों के सेंटर में लिखना है। अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो 2.4 माइनस 0.9 1.5 आएगा, 3.5 माइनस 2.4 1.1 आएगा, ये सेकंड डिफरेंस निकल गया। थर्ड डिफरेंस निकालेंगे जितना माइनस इतना करेंगे आएगा माइनस 0.4। इस प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। एस का वैल्यू आपको दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है इस टाइप का जैसे हमने बनाया है। अब हम आते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस का जो साइन है वो भी डेल है, लेकिन ये डेल जो है आप देख रहे हो कि फॉरवर्ड डिफरेंस में जो डेल हमने बनाया था वो इस प्रकार से था ऐसा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। अब बैकवर्ड डिफरेंस के लिए डेल जो है इस प्रकार से बनाएंगे, ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए है, ये बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। तो बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला याद रखिए, डेल वाई आर होता है वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या अंतर है आप देखिए, फॉरवर्ड वाई आर क्या होता है, ये होता है वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर, और बैकवर्ड वाई आर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है, ये बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है। बैकवर्ड डिफरेंस फार्म टेबल भी सेम बनेगा जैसे फॉरवर्ड बना था। एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री सब आपको दिया रहेगा, एस के वैल्यू, वाई के वैल्यू भी दिया रहेगा। आपको निकालना है फर्स्ट डिफरेंस, तो वाई वन माइनस वाई जीरो जैसे फॉरवर्ड में करते थे वैसे ही करेंगे, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे। मतलब वाई वन माइनस वाई जीरो आएगा, फिर वाई टू माइनस वाई वन आएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू आएगा, वाई फोर माइनस वाई थ्री आएगा, इस प्रकार से। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे फिर इतना माइनस इतना होगा, मतलब डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू, डेल वाई फोर माइनस डेल वाई थ्री, इस प्रकार से। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। हमें एस का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो ये एस का वैल्यू क्वेश्चन में मिला है, वाई का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में मिला है। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस। तो क्या आएगा, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व फोर, फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन माइनस वन, एट्टीन माइनस फिफ्टीन थ्री, ट्वेंटी माइनस एट्टीन टू। अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फाइव, थ्री प्लस वन फोर,
टू माइनस थ्री माइनस वन, फिर थर्ड डिफरेंस फोर प्लस फाइव नाइन, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, फिर फोर्थ डिफरेंस माइनस फाइव माइनस नाइन माइनस फोर्टीन। इस प्रकार से आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने आना चाहिए। तो फॉरवर्ड में जैसे बनाते हैं वैसे बैकवर्ड में सेम है दोनों, है ना। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। आपको एक्स का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, आपको बनाना है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। इसको कंप्लीट कीजिए घर में। अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले और बताता हूँ। जो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स है इसको हम बोलते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स का वैल्यू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस। एक क्वेश्चन है इवेलुएट डेल, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन है, डेल टेन इनवर्स x। तो डेल एफ एस का ये फार्मूला है, एफ एस के प्लेस पे टेन इनवर्स x रख दिए, तो x के प्लेस पे जब x प्लस एच रखेंगे मतलब एफ ऑफ x प्लस एच आएगा टेन इनवर्स x प्लस एच। अब इक्वेशन नंबर वन में आते हैं, एफ एस की जगह रखें टेन इनवर्स x, एफ एक्स प्लस एच रखें टेन इनवर्स x प्लस एच, एफ ऑफ x रखा टेन इनवर्स x। यहाँ से यहाँ ये फार्मूला हमने यूज कर लिया, ये फार्मूला आप याद रखिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन वन प्लस एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है डेल स्क्वायर कॉस टू एक्स। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, एफ ऑफ एक्स का लो कॉस टू एक्स रखा, एफ ऑफ एक्स प्लस आ जाएगा एच आएगा कॉस टू एक्स प्लस एच, मतलब कॉस टू एक्स प्लस टू एच हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर वन में वैल्यूस रख देते हैं, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, रख दिए यहाँ से, यहाँ ये फार्मूला यूज किए, इसको सॉल्व किए, लाइन आएगा आपका, ये डेल एफ एक्स की वैल्यू आया, डेल एफ एक्स प्लस एच मतलब एस की जगह क्या रखना है एक्स प्लस एच, एस की जगह जब एक्स प्लस एच लेंगे तो ये लाइन आ जाएगा। अब आपको कहाँ निकालना है, डेल स्क्वायर निकालना है ना, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स का ये फार्मूला होगा, ये डेल स्क्वायर एफ एक्स का फार्मूला है, एफ एक्स की जगह कॉस टू एक्स रख दिए, डेल एक्स एक्स प्लस ए डेल एफ एक्स प्लस एच निकाल चुके हैं, डेल एफ एक्स निकाल चुके हैं, इन दोनों में साइन एच कॉमन है, टू भी कॉमन है निकाल दिए, माइनस साइन भी कॉमन निकाल दिए, यहाँ से आए फार्मूला यूज किए, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। इसे एक बार नोट कीजिए, जो डाउट आता है हमसे पूछिए। हम एक क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ डिफरेंस फॉर द डाटा बिलो। कुछ डाटा हमें दिया गया है और हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। यहाँ पर डेल क्यूब एफ ऑफ जीरो, डेल क्यूब एफ ऑफ वन और डेल की पावर फोर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना है। तो एस का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इसी को हम वाई भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिला है डेल एफ ऑफ एक्स। तो कैसे निकलेगा ये, आप क्या कीजिए, नीचे वाला जो वैल्यू है उससे ऊपर वाले वैल्यू को माइनस कीजिए, मतलब इतना माइनस इतना कीजिए, तो 1.5 माइनस 1.0 करेंगे तो 0.5 आएगा, 2.2 माइनस 1.5 करेंगे 0.7 आएगा, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है उससे ऊपर वाले वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, तो इस प्रकार से मिलेगा। डेल स्क्वायर निकालेंगे तो इतना माइनस इतना करना है, फिर से वही नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को माइनस करना है, डेल क्यूब निकालेंगे फिर से वही करना है, डेल फोर एफ एक्स निकल जाएगा। अब आपको निकालना है डेल क्यूब एफ जीरो, तो ये आपका है एफ एक्स, ये आपका डेल एफ एक्स है, डेल स्क्वायर है, एफ जीरो बोल रहा है, एफ जीरो जीरो में आप जाइए, तो जीरो में ये डेल है, इस प्रकार से आपको जानना है ना, तो जीरो जीरो जो वैल्यू है उसमें ये डेल है, ये डेल स्क्वायर है, ये डेल क्यूब है, तो डेल क्यूब एफ ऑफ जीरो वैल्यू जीरो आएगा। डेल क्यूब एफ ऑफ वन, वन में आपको देखना है, वन में, तो वन में ये डेल है हमारा, ये डेल स्क्वायर है, ये डेल क्यूब है, देखो डेल डेल के नीचे डेल का वैल्यू मिलेगा, डेल स्क्वायर के नीचे डेल स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, डेल क्यूब के नीचे डेल क्यूब का, यहाँ पे क्या लिखा है डेल क्यूब एफ ऑफ वन, वन लिखा है ना, एस का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे वन को आप देखो, तो वन में ये आपका डेल है, ये आपका डेल स्क्वायर है, ये आपका डेल क्यूब, तो डेल क्यूब एफ ऑफ वन की वैल्यू 0.4 आएगा। अब डेल फोर एफ ऑफ जीरो, जीरो में देखो ये आपका डेल है, ये डेल स्क्वायर है, डेल क्यूब है, डेल टू द पावर फोर है, डेल टू या फोर एफ ऑफ जीरो, तो क्या आएगा 0.4, ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिसिंग वाई एक्स वैल्यूज फ्रॉम द फर्स्ट डिफरेंस प्रोवाइडेड। आपको फर्स्ट डिफरेंस आपको दिया गया है, आपको वाई एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब वाई की वैल्यू निकालना है, डेल वाई आपको दिया गया है,
तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर वही वैल्यू आएगा कि इन दोनों को हम माइनस करें तो 1 आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा वैल्यू आप सोचिए कि इन दोनों को माइनस करें, मतलब इसका और इसका माइनस करें, इतना माइनस इतना करें तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 0 करने से 1 आता है। यहाँ पर आपको ऐसा वैल्यू सोचना है कि इसको और इसको हम माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे अगर 3 लें तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 हम ले रहे हैं ना, अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू चूज करना है कि इतना और इतने को माइनस करें तो 4 आना चाहिए। यहाँ हम लेते हैं 7, 7 माइनस 3 करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू चूज करें, इसको और इसको माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ हम लेते हैं 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ लेते हैं 25 माइनस 14 करेंगे तो 11 आएगा। एक और तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ पर आप पता चल जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पता चल जाएगा, मतलब 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1। इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ का वैल्यू पता चल जाएगा, 0 प्लस 1 1 आया, 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3, 3 प्लस 4 क्या आएगा यहाँ, 7, 7 प्लस 7 यहाँ क्या आएगा, 14, 14 प्लस 11 यहाँ क्या आएगा, 25। ये आपका आंसर होगा। तो डिफरेंस टेबल आप याद रखिए, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो यहाँ वैल्यू मिलता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर लाना है। अब यहाँ पे u0 u1 u2 u3 u4 सब दिया गया है, आपको निकालना है डेल टू दी पावर 4 u0, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये u का वैल्यू आपको दिया गया है, डेल u निकालो, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल 4 और डेल की पावर 4 u0। तो ये आपका u0 है, ये आपका आएगा माइनस 7459। ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप क्या करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करोगे, मतलब 12 माइनस 3 तो 9 आएगा, वैसे 81 माइनस 12 69 आएगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे डेल क्यूब वाई आई के लिए प्रूव करना है। तो डेल वाई आई का ये फार्मूला है, आई के प्लेस पे आई प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पे आई प्लस 2 आएगा, यहाँ आई प्लस 1 आएगा। अब डेल स्क्वायर वाई आई का ये फार्मूला होगा, डेल वाई आई प्लस 1 ये हम यहाँ से देख कर रख देंगे, और डेल वाई आई की वैल्यू यहाँ से देख कर रख देंगे, यहाँ में मिल जाएगा। अब आई के प्लेस पे आई प्लस 1 रखें तो लाइन आ जाएगा, आई के प्लेस पे क्या रखेंगे, आई प्लस 1। अब डेल क्यू वाई आई कैसे मिलेगा, डेल स्क्वायर वाई आई प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर वाई आई, फार्मूला याद रखिए। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये है, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये है, इन दोनों को माइनस कीजिए, आपको जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बनाना है। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाएंगे, एक्स का वैल्यू दिया गया है माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू एक्स 0 है, सेकंड वैल्यू एक्स 1 है, थर्ड वैल्यू एक्स 2 है, फोर्थ वैल्यू एक्स 3 है। इस प्रकार से एक्स 0, एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, एक्स 4, एक्स 5, एक्स 6 तक दिया गया, 6 वैल्यू दिया है एक्स 6। वाई इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, तो वाई 0 होगा एफ ऑफ एक्स 0, जहाँ जहाँ एक्स वाई एक्स 0 रख दीजिए, एक्स 0 की वैल्यू माइनस 1 है रख दीजिए। वैसे ही वाई 1 होगा एफ ऑफ एक्स 1, वाई 1 की वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ एक्स 1। तो इसमें एस के प्लेस पे एक्स 1 रख दीजिए और एक्स 1 की वैल्यू आपको 0 दिया गया है, तो वाई 1 कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको निकालना है वाई 2, तो वाई 2 क्या होता है एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 2 मतलब एस 2 रख दीजिए एफ ऑफ एस के फार्मूला में, वाई 2 निकल जाएगा, वाई 3 निकल जाएगा, वाई 4 निकल जाएगा। इसी प्रकार से वाई 5 मिल जाएगा और वाई 6 आपको मिल जाएगा। ये इस प्रकार से आपको वाई 1, वाई वाई 0, वाई 1, वाई 2, वाई 3, वाई 4, वाई 5, वाई 6 कैलकुलेट करना है। अब आपको बनाना है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। आपको एस का वैल्यू पता चल गया है, वाई का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, डेल वाई कैसे निकलोगे, बैकवर्ड डेल है ना, साइन बैकवर्ड डेल, नीचे से ऊपर को माइनस करोगे, मतलब माइनस 7 माइनस 6, माइनस 7 प्लस 6 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ माइनस 1 आएगा। वैसे माइनस 14 प्लस 7 तो क्या आएगा माइनस 7 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में लिखना है, माइनस 21 और प्लस 14 क्या हो जाएगा माइनस 7 आएगा, फिर माइनस 22 प्लस 21 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 22 11 हो जाएगा, 18 प्लस 11 क्या आ जाएगा 29। इस प्रकार से
तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, आप सेकंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस पूरा कंप्लीट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फॉर्म अ टेबल ऑफ डिफरेंसेस फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एस क्यू प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन फॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कंटिन्यू द टेबल टू ऑब्टेन एफ ऑफ सिक्स। तो एफ ऑफ एस क्यू में दिया गया है एस क्यू प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू माइनस वन है एक्स जीरो, सेकंड वैल्यू जीरो है, थर्ड वैल्यू वन है, फोर्थ वैल्यू टू है। इस प्रकार से सभी वैल्यूज आपको दिया गया है माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे वैल्यू। इसको हम एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स बोलेंगे। वाई जीरो एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया, तो वाई जीरो होगा एफ ऑफ एक्स जीरो। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्यू आपको दिया गया है, इसमें एक्स के प्लस पे एक्स जीरो रख दीजिए तो एक्स जीरो का क्यू प्लस फाइव एक्स जीरो माइनस सेवन। एक्स जीरो का वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन पुट कर दिए तो माइनस थर्टी आ रहा है। वाई वन की वैल्यू माइनस सेवन आएगा, वाई टू की वैल्यू माइनस वन आएगा, वाई थ्री निकाल लो, वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स। इस प्रकार से सारे वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम बनाएंगे डिफरेंस टेबल। तो हम बना रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों में से एक डिफरेंस टेबल बनाने हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप कैसे बनाओगे, एस के वैल्यू आपको दिया गया है, वाई के वैल्यू आप कैलकुलेट किए हो, आपको निकालना है फर्स्ट डिफरेंस। तो इस कैसे निकालोगे, माइनस सेवन और माइनस थर्टीन, इतना माइनस इतना करोगे तो क्या आएगा, माइनस सेवन प्लस थर्टीन हो जाएगा। तो माइनस सेवन प्लस थर्टीन सिक्स आएगा, जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में लिखना है। फिर माइनस वन प्लस सेवन क्या आएगा, सिक्स आएगा। इलेवन प्लस वन ट्वेल्व आ जाएगा। फिर आएगा थर्टी फाइव माइनस इलेवन ट्वेंटी फोर होगा। फिर सेवेंटी सेवन माइनस थर्टी फाइव क्या आएगा, फोर्टी टू हो जाएगा। फिर 143 माइनस 77, 143 माइनस 77 तो क्या आंसर आएगा, देखो 66 आ जाएगा, ये लीजिए 66 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड डिफरेंस निकालना है। सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए 6 माइनस 6 करोगे जीरो आएगा यहाँ, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। एफ ऑफ सिक्स कैसे निकालोगे, एस के प्लस पे सिक्स पुट कर दिए कि आपका आंसर आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इवेल्युएट डेल टू द पावर एन ए की पावर एक्स और डेल की पावर एन वन बाई एक्स, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डेल ए की पावर एक्स, इसको आप लिखोगे एस की पावर एक्स प्लस वन। यहाँ पर जो इंटरवल है हम एच का वैल्यू वन ले रहे हैं ना, एच का वैल्यू क्या ले रहे हैं, वन। देखो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, डेल एफ एक्स का जो फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये फार्मूला होता है। अब एच की प्लेस पर अगर वन रख दो तो ऐसा आ जाएगा फार्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, है ना। एच के प्लेस पे क्या लिखो, वन रखो तो ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरवल एच जो है वह वन ले रहे हैं। यहाँ ऊपर में आप लिख लीजिए, एक्ज्यूम दैट द इंटरवल एच इज इक्वल टू वन, है ना। यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक्ज्यूम दैट द इंटरवल एच इज इक्वल टू वन। तो इंटरवल को एच इक्वल टू वन ले लीजिए, इन दोनों में ए की पावर एक्स कॉमन है। अब हम डेल इसको निकालते हैं, डेल इसको निकालेंगे, डेल ऑफ डेल ए एक्स आएगा, डेल एक्स की वैल्यू ये है। यहाँ से ए माइनस वन कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, फिर से डेल एक्स आएगा, डेल एक्स की वैल्यू फिर से रख दीजिए, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ डेल स्क्वायर है तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, अगर यहाँ डेल क्यूब आएगा तो ए माइनस वन का होल क्यूब आएगा, अगर यहाँ पावर एन आ जाएगा तो यहाँ भी पावर एन आ जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी हम इंटरवल ले रहे हैं वही एच के वैल्यू वन, है ना। मैंने आपको फार्मूला फिर से बताता हूँ, डेल एफ एक्स क्या होता है, हमने बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एच के प्लस पे वन ले तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा वन बाई एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन का वन अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ लिख दीजिए ऊपर, एक्ज्यूम दैट द इंटरवल एच इक्वल टू वन, एच को वन ले लिए हमने, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये लाइन आएगा। अब डेल इसको निकालेंगे, इसका हम डेल इसको निकालेंगे तो डेल ऑफ डेल हो जाएगा ये, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए, माइनस को बाहर कर दिए, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखियो दोनों में डेल ऑपरेट होगा, तो वन बाई एक्स का जब डेल निकालते हैं तो ये आता है, तो वन बाई एक्स प्लस वन का जब डेल निकालेंगे
तो एस के प्लस पे एक प्लस बना जाएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस आता है देखो, तो माइनस का प्लस आ जाएगा, है ना। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से मिल जाएगा ये, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो डेल स्क्वायर में ये आया, डेल क्यूब लेंगे तो ये लाइन आ जाएगा, डेल की पावर एन लेंगे तो ये आ जाएगा। इसे नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। आज हम आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, इसका यूज आगे बहुत होगा। तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में हम फैक्टोरियल नोटेशन का यूज़ करते हैं, इसी कारण इसको जानना जरूरी है। तो अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एंड सो ऑन एक्स माइनस आर प्लस वन इज डिनोटेड बाई एक्स की पावर आर, इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन एक्स पढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल नोटेशन एक्स की पावर आर एंड इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल एक्स जो है ये एक्स होता है, फैक्टोरियल नोटेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है एक्स एक्स माइनस वन, और फैक्टोरियल नोटेशन एक्स क्यूब का वैल्यू होता है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ये आप याद रखिए, इसे हम रीड करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन एक्स, इसे हम रीड करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल नोटेशन एस क्यूब। तो फैक्टोरियल नोटेशन एस की पावर एन होता है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड सो ऑन एक्स माइनस एन प्लस वन, ये आप याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, एक्सप्रेस वाई इक्वल टू, वाई का वैल्यू आपको दिया गया है इन फैक्टोरियल नोटेशन, तो वाई को आपको फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है एंड हैंस सो दैट डेल क्यू वाई इक्वल टू 12। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है वाई का मैक्सिमम पावर क्या दिया गया है। तो यहाँ पावर देखा 3 दिया है मैक्सिमम पावर, तो आप जो फैक्टोरियल नोटेशन बनाओगे उसमें मैक्सिमम पावर 3 लोगे, उसके अंदर 2 पावर लेना पड़ेगा, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा मैक्सिमम पावर, उसके हिसाब से आपका आंसर भी उस हिसाब से लोगे, है ना। अगर यहाँ पावर 4 दिया रहता तो मैक्सिमम पावर आप 4 लेके चलते, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आता, फिर कांस्टेंट आता। तो ये है फैक्टोरियल नोटेशन एक्स है। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम निकालना सिखाएंगे। तो ये जो हमने एक्सप्रेस किया है वाई को इस फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ये जो हमने लिखा है ये क्या कहलाता है, फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ वाई, वाई का एक फैक्टोरियल नोटेशन है। अब यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी निकालने के लिए मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड बताऊंगा, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड बहुत ईजी है। आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर एस क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, मतलब तो एस क्यूब का जो गुणांक है वो 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, माइनस 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म आपका माइनस 10 है। इसको आप बाहर कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, 1 से। सिंथेटिक डिवीजन मेथड याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा है 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, खाली रहेगा, इस 2 को आप नीचे लाइए। अब यहाँ जो आंसर आया इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कीजिए, तो 2 × 1 आएगा, क्या आएगा, 2 × 1 करोगे 2 आएगा, और माइनस 3 और 2 जो भी आंसर आया यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, जैसे 2 × 1 किए तो 2 आया, अब इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, तो क्या आएगा -1, और -1 × 1 क्या होगा -1, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आएगा 2, इसको बाहर कर दीजिए। अब फिर आप 2 से डिवाइड करना है आपको, इसके पहले हमने किससे डिवाइड किया था, 1 से, अब 2 से डिवाइड करना है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको, खाली रहेगा ये 2 जो नीचे आ जाएगा, ये जो 2 है वो नीचे आएगा, 2 × 2 क्या होगा 4, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको बाहर कर दीजिए। अब 3 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, 2 आएगा, इसको ही बाहर दीजिए। ये आपका कैपिटल ए बन जाएगा, ये आपका कैपिटल बी बन जाएगा, है ना, और ये आपका कैपिटल सी बन जाएगा, ये आपका कैपिटल डी बन जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी डी आपको निकालना है, है ना। तो इस प्रकार से हमने निकाला, एक बार और समझाते हैं इसको। देखो एस क्यूब लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स लिखा, एस क्यूब का जो कोफिशियंट है 2 है, एक्स स्क्वायर का -3 है और एस का कोफिशियंट 3 है और कांस्टेंट टर्म आपका -10, इसको बाहर कर दिए, है ना। अब क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, ये जो 2 है ये नीचे आ गया, इस ये जो 2 है ये नीचे आया, और इसको भी मत देखिए, 2 × 1 क्या होगा 2, यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, -1 आएगा, -1 × 1 -1 होगा, यहाँ लिख दीजिए, अब इन दोनों को प्लस कीजिए 2 आएगा, इसको बाहर कर दीजिए। अब आपको
टू और माइनस वन मिला है, इसको टू से डिवाइड करना है, टू से, ये टू नीचे आ जाएगा, टू इंटू टू क्या होगा फोर, यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए थ्री आएगा, थ्री बाहर कर दीजिए, अब आपको थ्री से डिवाइड करना है, थ्री ए टू नीचे आएगा, है ना, ए टू नीचे आएगा, अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारा ए, ये वाला हमारा ए बन गया, ये हमारा बी, ये सी और ये डी। इस प्रकार से यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको डेल वाई निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो पहले वैसे, क्या आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, ये तो कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। फिर डेल स्क्वायर वाई निकालना है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, और डेल क्यूब वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व, ये हमें प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए यू का वैल्यू आपको दिया गया है, इसमें एस की पावर फोर तक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन में आपका फोर पावर तक आएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए, एस की पावर फोर का कोफिशिएंट वन है, एस क्यूब का माइनस ट्वेल्व है, एक्स स्क्वायर का ट्वेंटी फोर है, एस का कोफिशिएंट माइनस थर्टी है, और कांस्टेंट टर्म आपका नाइन है, ये तो हमारा ई बन जाएगा लास्ट में। अब वन से पहले डिवाइड करना है, ये जो वन है नीचे लिख दीजिए, इसके बाद मत देखिए अभी, वन ये जो वन है यहाँ नीचे आया, वन इंटू वन, वन हुआ यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस इलेवन, माइनस इलेवन इंटू वन, माइनस इलेवन होगा यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे थर्टीन आएगा, थर्टीन इंटू वन थर्टीन होगा, इन दोनों को प्लस करोगे माइनस सेवनटीन, इसको बाहर कर दीजिए। अब टू से डिवाइड करना है, ये वन नीचे आएगा, वन इंटू टू टू होगा, इन दोनों को प्लस करो माइनस नाइन, माइनस नाइन इंटू टू माइनस एट्टीन, इन दोनों को प्लस करो माइनस फाइव हुआ, इसको बाहर कर दीजिए। अब थ्री से डिवाइड करना है, ये वन नीचे आएगा, वन इंटू थ्री थ्री होगा, यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए माइनस सिक्स, इसको बी बोलिए। अब फोर से डिवाइड करना है, ये वन नीचे आएगा, वन इंटू फोर तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट टर्म है, ये हमारा ए बना, ये बी, ए सी, ए डी, ए ई। इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई का वैल्यू आपको मिल गया। इस प्रकार से रिवर्स है ना, नीचे से लिखना है ए बी सी डी ई। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कितने बार करना पड़ेगा फाइव टाइम, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्वेल्व एस क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो यू को क्या आएगा ट्वेल्व एस क्यूब माइनस एट्टीन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस सेवनटीन आ जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस टेन, फिर से डिफ्रेंशिएट करो ट्वेंटी फोर एक्स माइनस थर्टी सिक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करो ट्वेंटी फोर, फिर से डिफ्रेंशिएट करो जीरो। ये कुछ होमवर्क है आप लोगों को करना है, जहाँ भी समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए, सिंथेटिक रीजन मेथड आपको समझ में आना चाहिए, इसको एक बार नोट कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है सिंथेटिक रीजन मेथड तो मैं एक बार और बताया तो आप लोगों को कैसे डिवाइड करना है, एक बार देख लीजिए। जैसे देखो, जैसे एस क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और ये कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ टू है, थ्री है, फाइव है, यहाँ पे नाइन है। सबसे पहले इसको बाहर कर दीजिए, आपको वन से डिवाइड करना है, ये जो टू है नीचे आ जाएगा। अब टू इंटू वन करोगे टू होगा, यहाँ लिखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे फाइव आ जाएगा। फाइव इंटू वन करोगे तो क्या होगा फाइव, यहाँ लिखोगे और फाइव फाइव टेन है, बाहर हो जाएगा। अब आपको टू से डिवाइड करना है, ये जो टू है नीचे आएगा, टू इंटू टू फोर होगा, यहाँ लिखोगे ये नाइन हो जाएगा, प्लस करोगे तो बाहर हो जाएगा। अब आपको थ्री से डिवाइड करना है तो ये टू जो है नीचे आएगा, बस ये हमारा कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, ये कैपिटल सी हो गया, ये कैपिटल डी हो गया। इस प्रकार से सिंथेटिक रीजन मेथड हम यूज करते हैं, एक बार इसको नोट कीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, थ्री क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया है, इसको कंप्लीट करना है। हम आपको डिफरेंस ऑपरेटर, कुछ डिफरेंस ऑपरेटर बताएंगे, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको इस प्रकार से नोट करते हैं, ये कहलाता है डेल एफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कहलाता है, ये जो ऑपरेटर है कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेल एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये कहलाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इस पर इसको हम डेल्टा रीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल, फॉरवर्ड डेल, बैकवर्ड डेल, इसको हम डेल्टा, ये कहलाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। डेल्टा एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, इसको हम कहते हैं शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ई की पावर एन एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ये कहलाता है एवरेजिंग ऑपरेटर। म्यू एफ एक्स, इसको म्यू से नोट करते हैं, म्यू एफ एक्स का फॉर्मूला होता है वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू,
ये कुछ ऑपरेटर्स है जिसको आपको याद रखना है। इनमें कुछ रिलेशंस भी है, वो भी हम आपको बताते हैं, रिलेशंस बिटवीन द ऑपरेटर्स। तो फॉरवर्ड जो डेल ऑपरेटर है ये कहला, ये होता है ई माइनस वन के इक्वल, बैकवर्ड डेल होता है वन माइनस ई इनवर्स। इन सब का हम प्रूफ आपको देते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फार्मूला है, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर का फार्मूला है। अब यहाँ पर इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, या आप एफ एक्स लिख सकते हो, दोनों में एफ एक्स कॉमन, एफ एक्स बाहर कर दीजिए। अब दोनों से एफ एक्स को हटा दीजिए तो डेल इज इक्वल टू आएगा ई माइनस वन। सेकंड का हम प्रूफ देते हैं। सेकंड में आप देखिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फार्मूला आप याद रखिए, ई की पावर एन एफ एक्स का फार्मूला आप याद रखिए, एन के प्लेस पे माइनस वन लिए थे आएगा। अब इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं ई इनवर्स एफ एक्स, एफ एक्स को बाहर कर दीजिए तो बैकवर्ड डेल का वैल्यू आएगा वन माइनस ई इनवर्स। ये आप देखिए सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का याद रखिए, आप ई की पावर एन एफ एक्स का फार्मूला याद रखिए, एन के प्लेस में वन बाई टू पुट कर दिए इक्वेशन नंबर टू में, ये आ जाएगा। एन के प्लेस में माइनस वन बाई टू पुट के इक्वेशन नंबर टू में ये लाइन आएगा। अब इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर हाफ एफ एक्स, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस हाफ एफ एक्स, इन दोनों एफ एक्स कॉमन आएगा, एफ एक्स बाहर कर दीजिए तो डेल्टा का वैल्यू आएगा ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ। एवरेजिंग ऑपरेटर का फार्मूला आप याद रखिए, ई की पावर एन एफ एक्स का फार्मूला याद रखिए, एन के प्लेस में वन बाई टू पुट किए, फिर एन के प्लेस में माइनस वन बाई टू पुट कर दिए इक्वेशन नंबर टू में, ये लाइन आएगा इक्वेशन थ्री एंड फोर। अब इसके प्लेस पर आप ई टू पावर हाफ एफ एक्स लिखोगे, इसके प्लेस पे लिखोगे ई टू पावर माइनस हाफ एफ एक्स, ये लिख दीजिए, एफ एक्स बाहर कर दीजिए तो म्यू का वैल्यू आएगा हाफ ई टू पावर वन बाई टू प्लस ई टू पावर माइनस वन बाई टू, ये आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड डेल हम बता दिए ई माइनस वन, बैकवर्ड डेल होता है वन माइनस ई इनवर्स। ये आपका सेंट्रल डिफरेंस फार्म, सेंट्रल डिफरेंस डेल्टा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये तीनों हम प्रूव कर चुके हैं। अब ई इंटू डेल करेंगे, ई इंटू डेल, डेल का वैल्यू रख दीजिए तो फॉरवर्ड डेल आ रहा है, डेल इंटू ई करेंगे तो ही फॉरवर्ड डेल आएगा, और डेल्टा इंटू ई टू पावर वन बाई टू करेंगे तो भी फॉरवर्ड डेल आएगा, ये हमें प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमें प्रूफ करना है, कैपिटल ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी, ये टेलर सीरीज आप याद रखिए, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको आप लिखोगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसको डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू एफ ऑफ एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यह आ जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर, यह आएगा कैपिटल डी क्यू, सब में एफ एक्स कॉमन है बाहर रखिए। इसको आप लिख सकते हो वन प्लस एच डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर फैक्टर टू प्लस एच डी का होल क्यूब बाई फैक्टर थ्री, ये बन जाएगा ई टू पावर एच डी, क्योंकि ई टू पावर एक्स का फॉर्मूला है, बहुत सारे से एफ एक्स को हटा दीजिए तो कैपिटल ई का वैल्यू आएगा ई की पावर एच डी, इसे नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। आपको याद रखने हैं ई टू द पावर एन वाई जीरो को हम लिखते हैं वाई एन, जैसे ई वाई जीरो है तो वाई वन लिखेंगे, ई स्क्वायर वाई जीरो को वाई टू, ई क्यूब वाई जीरो है तो वाई थ्री लिखेंगे, ई की पावर एन वाई जीरो को वाई एन लिखेंगे, जैसे ई वाई वन है तो वाई टू लिख देंगे इसको, ई स्क्वायर वाई वन है तो वाई थ्री, ई क्यू वाई वन है तो वाई फोर, मतलब ई की पावर एन वाई वन है तो वाई एन प्लस वन लिखेंगे, वैसे ई वाई टू को वाई थ्री लिखेंगे, ई स्क्वायर वाई टू को वाई फोर, ई क्यू वाई टू को वाई फाइव, या ई की पावर एन वाई टू है तो वाई एन प्लस वन। ये कुछ बातें आपको याद रखने हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल, तो इसमें एक्स का वैल्यू दिया गया है, फर्स्ट वैल्यू एक्स जीरो है, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये वाई जीरो है, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, ये वैल्यूज आपको दिया गया है। यहाँ पे x0 का वैल्यू 0 है, x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 2 है, x3 का वैल्यू 3 है, x4 का वैल्यू 4 है, y0 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 9 है, y3 का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और y4 का वैल्यू 81 है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि y के कितने वैल्यूज हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज दिए गए हैं, तो हमने लिखा है सिंस ओनली 4 वैल्यूज ऑफ y आर गिवन, तो y के चार वैल्यूज हमें दिए गए हैं, तो हमने लिखा है देयर फोर वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब डेल की पावर फोर वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये फार्मूला याद रखिए, ये डेल की पावर फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फोर वैल्यूज आपको गिवन है,
अगर 5 वैल्यूज गिवन है तो डेल टू द पावर 5 आएगा, अगर 6 वैल्यूज गिवन है तो डेल टू द पावर 6 आएगा, है ना। तो याद रखना, और यहाँ पे कितने मिसिंग टर्म है, एक ही मिसिंग टर्म है, तो डेल की पावर 4 वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये फार्मूला आप याद रखिए, ये पावर 4 तभी आएगा जब इसमें 4 टर्म्स गिवन है। अगर 5 वैल्यूज गिवन है तो पावर पे 5 आ जाएगा। अब डेल के वैल्यू आप ई माइनस 1 याद रखिए, तो ई माइनस 1 की पावर 4 वाई जीरो, ई माइनस 1 की पावर 4 है, यहाँ पे पावर जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आप इसको 1 माइनस ई की पावर 4 वाई जीरो भी लिख सकते हो। ये फार्मूला आप याद रखिए, 1 माइनस एस की पावर 4 का क्या फार्मूला होता है, यहाँ मैंने बहुत सारे फार्मूले लिख दिए हैं, सब याद रखना आपको, है ना। तो 1 माइनस एस की पावर 4 होता है 1 माइनस 4s प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4s क्यूब प्लस s की पावर 4। इस फार्मूला को हमने यूज कर लिया, s के प्लस पे e है, ये फार्मूला यूज हो गया। y0 का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा, ey0 को y1 कहेंगे, e स्क्वायर y0 को y2, eqy0 को y3 और e4y0 को y4। अब y0 का वैल्यू रखो, y1 का, y2 का, y4 का, सबके वैल्यू आपको रख देना है, फिर इसका सॉल्व करोगे तो y3 का वैल्यू आ रहा है 31। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आप देखिए दो मिसिंग वैल्यूज हैं, दो मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए y की कितने वैल्यूज गिवन है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिवन है, है ना। तो ये हमारा x0 है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, यहाँ पे y4 और y6 हमें निकालना है। हमने लिखा है सिंस ओनली 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज ऑफ y आर गिवन, y के 5 वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5, देयर फोर द फंक्शन y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द 5th डिग्री पॉलीनोमियल। तो क्या आएगा, डेल की पावर 5 y0 इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ दो मिसिंग टर्म है तो दो बार फार्मूला यूज करोगे, पहला फार्मूला होगा डेल की पावर 5 y0 इक्वल टू 0 और सेकंड फार्मूला होगा डेल की पावर 5 y1 इक्वल टू 0। अगर 3 मिसिंग टर्म रहेगा तो एक और आ जाता, डेल की पावर 5 y2 इज इक्वल टू 0। पहला y0 लिखोगे, सेम y1, फिर आगे फार्मूला इस प्रकार से, जितने मिसिंग टर्म है उतने ये फार्मूला लगेंगे। यहाँ पावर 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 5 वैल्यूज गिवन है, 1 2 3 4 5, जितने वैल्यूज गिवन है उतने पावर लगेंगे, है ना। और यहाँ पर पहला फार्मूला क्या होगा, डेल की पावर 5 y0 इक्वल टू 0, यहाँ पे दो मिसिंग टर्म है, इसी का एक और फार्मूला यूज करोगे, डेल की पावर 5 y1 इक्वल टू 0। अब डेल के लिए ई माइनस में रख दीजिए, तो यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 5, यह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 5 वाई वन इक्वल टू 0, माइनस को 0 से कैंसिल कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा ये। अब ये फार्मूला है 1 माइनस ई की पावर 5 का, ये भी फार्मूला लगा दिए। अब वाई जीरो का मल्टीप्लाई सभी के साथ कीजिए, यहाँ वाई वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा वाई वन, ये बनेगा वाई टू, ये वाई थ्री, ये वाई फोर, ये वाई फाइव, ये वाई टू बनेगा, ये वाई थ्री, ये वाई फोर, ये वाई फाइव, ये वाई सिक्स रख दीजिए। आपको y0 का वैल्यू पता है, y1 का वैल्यू पता है, y2 का वैल्यू पता है, y3 पता है, y5 पता है, रख दीजिए। यहाँ पे y1 पता है, y2, y3, y5, जो जो वैल्यू सबको पता है रख दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से आपको y0 y4 और y6 की वैल्यू मिल जाएगा, तो y4 का वैल्यू आ रहा है 74 और y6 का वैल्यू आ रहा है 261। ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, इसमें आप देखिए टू मिसिंग टर्म्स वैल्यूज है, दो मिसिंग वैल्यू, इसका आंसर ही आएगा, यहाँ भी दो मिसिंग वैल्यू, इसका आंसर ही आएगा। इसको आप कंप्लीट कीजिए और हमें भेजिए। पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रखिए, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे, बैकवर्ड में बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पर जब फॉरवर्ड वाला फार्मूला आप यूज करोगे तो पी का वैल्यू होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, और बैकवर्ड फार्मूला जब यूज करोगे तो पी का वैल्यू होगा एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। ये फार्मूला आप याद रखिए पी का, और यहाँ पर एस का जो वैल्यू है क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.6। यहाँ पर एस का वैल्यू आपको दिया गया है, एफ ऑफ एस की वैल्यू दिए गए हैं, आपको निकालना है एफ ऑफ 1.6। इसी एफ ऑफ एस को हम वाई कहते हैं ना, तो यहाँ पर एक्स जीरो का वैल्यू 1 है, एक्स वन का वैल्यू 1.4 है, एक्स टू का वैल्यू 1.8 है और एक्स थ्री का वैल्यू 2.2 है। वाई जीरो ये है, ये वाई वन है, ये वाई टू है, ये वाई थ्री है, तो एफ ऑफ एस को ही हम वाई कहते हैं। यहाँ पर एच की जरूरत पड़ेगा, एच, तो
तो एच क्या होगा, आप क्या करो एक समय जो इंटरवल है उसको आप देखिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए या इससे इसको माइनस कीजिए या इससे इसको माइनस कीजिए, तो आपको एच का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 1.4 में अगर 1 को माइनस करें तो 0.4 आएगा, तो 0.4 हमारा एच का वैल्यू है। एच जो है इंटरवल होता है, वो एक्स से आपको पता चलेगा। एक्स जीरो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम एक्स जीरो कहते हैं, और यहाँ पर एक्स है, एक्स का वैल्यू दिया गया है 1.6। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1.6। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.6, यहाँ एक्स का वैल्यू 1.6 है। तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन सभी हमें फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एच के वैल्यू 0.4 है, एस के वैल्यू 1.6 है, पी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 3/2 है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मैं सिखा चुका हूँ आपको। एस का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ माइनस करोगे, फिर यहाँ से यहाँ माइनस करोगे ये आएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करोगे ये आएगा, फिर सेकंड डिफरेंस यहाँ से यहाँ माइनस करोगे ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करोगे ये आ जाएगा, फिर थर्ड डिफरेंस निकल जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाला कहलाएगा वाई जीरो, ये कहलाएगा डेल वाई जीरो, ये कहलाएगा डेल स्क्वायर वाई जीरो, ये कहलाएगा डेल क्यूब वाई जीरो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो फॉरवर्ड में हमें जो है इस प्रकार से लेंगे, बैकवर्ड में उल्टा लेते हैं, फॉरवर्ड में इस प्रकार से लेंगे ना, वाई जीरो डेल वाई जीरो डेल स्क्वायर वाई जीरो डेल क्यूब वाई जीरो। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप याद रखिए, हमें निकालना था एफ ऑफ 1.6, इसी को हम वाई पी कहेंगे, एफ ऑफ 1.6, वाई जीरो को वैल्यू रखा, डेल वाई जीरो रखा, डेल स्क्वायर वाई जीरो डेल क्यूब वाई जीरो, पी का वैल्यू भी हमने पुट कर दिया। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 5.44 अप्रॉक्सीमेट। अब यही क्वेश्चन हम बैकवर्ड फार्मूला से भी बनाने के प्रयास करते हैं। ये हमारा x0, x1, x2, x3 दिया गया था, y0, y1, y2, y3 भी दिया गया है क्वेश्चन में। s का वैल्यू 0.4 है, s का वैल्यू 1.6 है, क्योंकि हमें निकालना है f 1.6। xn, xn इसको बोलेंगे, ये फर्स्ट वाले को x0 बोलते हैं और लास्ट वाले को हम xn कहते हैं। जब बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करोगे तो p का फार्मूला चेंज होगा, x माइनस xn अपॉन h। s का वैल्यू 1.6 है और xn का वैल्यू 2.2 है और एच को 0.4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/2। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी सेम बनेगा, जैसे फॉरवर्ड में बना था वैसे ही सेम आएगा। एस का वैल्यू वाई का वैल्यू दिया गया है, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो इतना माइनस इतना करेंगे ये आएगा, इतना माइनस इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, इतना माइनस इतना करेंगे ये आ जाएगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल सेम होता है, लेकिन याद रखना ये हमारा वाई एन हुआ, ये हमारा डेल वाई एन हुआ, ये डेल स्क्वायर वाई एन और ये डेल क्यूब वाई एन, इस प्रकार से डेटा लेना है। नीचे से फॉरवर्ड में ऊपर से डेटा लेते हैं और बैकवर्ड में नीचे से। तो ये हमारा वाई एन हुआ, ये डेल वाई एन, ये डेल स्क्वायर वाई एन और ये डेल क्यूब वाई एन, इस प्रकार से वैल्यूज मिल गए। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आपको याद रखना है, वाई पी को ही हम एफ 1.6 बोलेंगे, यहाँ पे वाई एन का वैल्यू पुट कर दिए, डेल वाई एन का डेल स्क्वायर वाई एन डेल क्यूब वाई एन और पी का वैल्यू भी हमने पुट किया, सॉल्व किया तो आ रहा है 5.44। तो क्वेश्चन में बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से बोलेगा तो फॉरवर्ड से बना लीजिए, अगर बैकवर्ड से बोलता है बैकवर्ड से बना लीजिए, अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से बना सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कि मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1.6 ना देखे केवल एक्स लिखा है, हाँ वन एक्स वैल्यू नहीं दिया गया है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखो एस की वैल्यू 1.6 लिए, अगर एस का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी आंसर आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो एस के फॉर्म में आएगा, है ना। हमारा जो आंसर किस फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर पी का वैल्यू जो है एस के फॉर्म में रहेगा। पी का वैल्यू एस के फॉर्म में क्यों रहेगा, क्योंकि एस का वैल्यू हमें दिया गया नहीं रहेगा। तो जैसे इस फार्मूला देखो, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स एन बाई एच, हमने एस के वैल्यू 1.6 रख दिया, अगर एस का वैल्यू नहीं दिया गया है तो क्या होगा, यहाँ एक्स रहेगा, तो पी का वैल्यू एस के फॉर्म में रहेगा। तो पी का वैल्यू एस के फॉर्म में रहेगा तो हमारा भी आंसर भी एस के फॉर्म में रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल, हिंदी में बहुपद। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स का वैल्यू 1.85 दिया गया है और सेकंड वैल्यू दिया गया है 2.4। दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक बार आपको एक्स की वैल्यू 1.85 लेना है और सेकंड में एक्स की वैल्यू 2.4। इसमें आपको
फॉरवर्ड से भी बना सकते हो, बैकवर्ड से भी बना सकते हो, आप जिससे बनाना चाहो बना सकते हो। इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, लेकिन आप आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है आंसर में कुछ वेरी करे, है ना, ये डिसिमल के बाद कुछ वेरी करे नंबर्स। तो इसको कंप्लीट कीजिए जैसे हमने बनाया है क्वेश्चन, वैसे ही आपको बनाना है। एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया है, ये इसमें आपको एफ ऑफ 0.7 निकालना है, एस के वैल्यू 0.7 दिया गया है, ये आंसर हमने लिख दिया है। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एफ 22 और एफ 42 की वैल्यू निकालना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको एस के वैल्यू नहीं दिया है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में आपको, बोलता है कंस्ट्रक्ट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डेटा। पहले पॉलिनोमियल बना लोगे, बाद में एस के वैल्यू 5 रखना, पहले पी का जो वैल्यू रखोगे उसमें एस इक्वल टू 5 नहीं पुट करोगे, पहले पॉलिनोमियल निकाल लोगे, मतलब पी का वैल्यू एस के फॉर्म में ही रहेगा, बाद में एस की वैल्यू क्या रख दोगे 5, तो ये आपका आंसर आएगा। एक बार इसको कंप्लीट कीजिए, जो हमने बनाया है उसको देखिए, और जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इफ एक्स टेक्स द वैल्यूज x0 - 2h, x0 - h, x0, x0 + h, x0 + 2h एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई आर y-2, y-1, y0, y1, y2, देन वी राइट द डिफरेंस टेबल एज फॉलोज। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस टेबल। इसमें फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम x0 नहीं लेंगे, बल्कि मिडिल जो वैल्यू है इसको हम x0 लेंगे। तो ऊपर जो है x0 - 2h, x0 - h आएगा, नीचे x0 + h, x0 + 2h आएगा, है ना। यहाँ पर -2 है तो p की वैल्यू -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। और y-2 जो है ये वैल्यू दिया रहेगा हमें, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगा उसको y-2 कहेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग y-1, इसके कोरस्पॉन्डिंग y0। ये अब हम फर्स्ट जो डिफरेंस निकालेंगे, इतना माइनस इतना, इसको बोलेंगे डेल y-2। इतना माइनस इतना निकालेंगे ये डेल y-1 होगा, इतना माइनस इतना डेल y0, और इतना माइनस इतना करेंगे डेल y1। फिर सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, इतना माइनस इतना, इसको हम बोलेंगे डेल स्क्वायर y-2। इतना माइनस इतना करेंगे तो डेल स्क्वायर y-1, इतना माइनस इतना करेंगे तो डेल स्क्वायर y0। और थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इतना माइनस इतना, तो यह आएगा डेल क्यू y-2। इतना माइनस इतना करेंगे तो डेल क्यू y-1, और इतना माइनस इतना करेंगे फोर्थ डिफरेंस में तो y⁴ y-1। ये याद रखिए गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये फार्मूला आप याद रखिए। वैसे ही गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी आप याद रखिए, स्टीलिंग फार्मूला याद रखिए, बेसेल्स फार्मूला याद रखिए, इन सब का यूज होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, यूज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला टू इवेल्युएट y30 गिवन दैट y21, y25, y29, y33, y37। तो यहाँ पर आपको 5 वैल्यूज दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, y21, y25, y29, y33, y35। इस 29 को हम x0 बोल रहे हैं, तो ये 29 हमारा x0 है, तो ये y29 का वैल्यू हो, और x0 में लिया, h की वैल्यू क्या आएगा, देखो 21 के बाद 25 है, फिर 29 है, 33 है, तो h की वैल्यू 4 है, और हमें निकालना है y30, तो x की वैल्यू हमारा 30 है। p का फार्मूला होता है x - x0/h, तो 30 - 29/4, तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब 0.25। तो एस की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ 21 है, 25 है, 29 है, 33 है, 37 है। पी की वैल्यू -2 - 1, 0, 1, 2। पी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फार्मूला है ना। एस की वैल्यू 21 रख दीजिए, एक्स जीरो हमारा 29 है, अपान एच, एच 4 रख दीजिए, यहाँ इस फार्मूला फिट कर दीजिए, तो आपको -2 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 25 फिट कर दीजिए यहाँ, और एक्स जीरो हमारा 29 हमने मान लिया है, और एच 4 है, तो -1 मिलेगा। इस प्रकार से -2 - 1, 0, 1, 2 आ जाएगा। वाई आप एक्स, मतलब y21 ये है, y25 ये है, y29 ये है, y33 है, y37 ये है। अब फर्स्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, इतना माइनस इतना, वैसे सेकंड डिफरेंस, डिफरेंस टेबल आपको आता है, इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, है ना। अब जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो मैं आपको बताते हैं। सबसे पहले y0 का वैल्यू क्या होता है, ये y0 आएगा 17.1070, ये y0 का वैल्यू है, 0 यहाँ से देखना, पी का वैल्यू y0 है ना, ये y0 आ गया। सेकंड हमें चाहिए वो डेल y0, डेल y0 क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, है ना। इस प्रकार से देखना, ऐसे नीचे ऐसे, अगर -2 बोलूँगा तो ऐसे देखना, अगर -1 बोलूँगा तो ऐसे देखना,
और जीरो बोलूँगा तो ऐसे, तो डेल वाई जीरो क्या आएगा माइनस 0.7638। फिर हमें चाहिए डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाले वाई माइनस वन वाला देखिए ये वैल्यू आएगा, ऐसे आपको देखना इस प्रकार से वैल्यू है ना, याद रखना। तो माइनस वन वाला लाइन देखिए, माइनस वन लाइन ये है, तो ये लाइन में आप मिलेगा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। फिर हमें चाहिए डेल क्यूब वाई माइनस वन, डेल क्यूब में वाई माइनस वन, माइनस वन वाला देखिए ये वैल्यू आएगा डेल क्यूब वाई माइनस वन। फिर हमें चाहिए डेल की पावर फोर वाई माइनस टू, तो वाई माइनस टू वाला लाइन देखिए, डेल की पावर फोर चाहिए ये, तो ये वैल्यू आएगा। इस प्रकार से सारे वैल्यूज आपको मिल गया। अब आपको गॉस फॉर्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला याद रखना है, वाई जीरो को वैल्यू रख दीजिए, पी को वैल्यू 0.25 है, और डेल वाई जीरो को वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन मिल जाएगा, डेल क्यू वाई माइनस वन मिल जाएगा, डेल की पावर फोर वाई माइनस टू मिल जाएगा। इस प्रकार सारे वैल्यूज रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको गॉस बैकवर्ड फार्मूला से बनाना है। यहाँ पर आप देखिए एस की वैल्यू क्या है, 1939, 1949, 1959 ये सब एक्स की वैल्यू है ना। हमने क्या माना, एक्स जीरो इसको मान लिया है ना, आप इसको भी ले सकते हो, इसको कोई एक को ले लीजिए क्योंकि दो यहाँ मिडिल पॉइंट है, कोई भी मिडिल में जो आता है उसको आप एक्स जीरो ले सकते हो, इसको हम एक्स जीरो ले लिए। और एच की वैल्यू क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, 10 आएगा। और एस की वैल्यू क्या चाहिए हमें, 1974, एस की वैल्यू 1974 ये। अब पी का फार्मूला ये है, इससे पी का वैल्यू निकल जाएगा, तो एस की वैल्यू है पी यहाँ माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, इसको हमने एक्स जीरो बोला तो जीरो आएगा, वन टू। पी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ रखते जाइए इस फार्मूला में, एस के प्लेस पे ये रख दीजिए, एक्स जीरो फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पर रखते जाइए पी की वैल्यू मिल जाएगा। और वाई की वैल्यू दिया गया है 12, 15 है, वाई की वैल्यू मिल जाएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, इतना माइनस इतना इतना माइनस सब निकाल लीजिए। अब जो जो वैल्यू मैं आपको पूछूंगा आप बताइएगा। सबसे पहले हमें निकालना है वाई जीरो 27, तो वाई जीरो 27 क्या होगा, वाई जीरो, ये वाई जीरो 27 क्या आएगा, ये वाई जीरो आ जाएगा है ना, वाई जीरो हमारा क्या आएगा 27 आएगा। फिर वो डेल वाई वन वाई माइनस वन, माइनस वन में देखिए 7 आ जाएगा। फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाला लाइन देखिए वाई माइनस वन 5 आएगा, ऐसे देखना है माइनस वन वाला लाइन कैसे, इस प्रकार से इसको देखोगे तो माइनस टू वाला लाइन मिलेगा, ये देखोगे तो माइनस थ्री वाला लाइन मिलेगा, ये आपका माइनस टू वाला लाइन है, ये आपका माइनस वन वाला लाइन है, ये आपका जीरो वाला लाइन है। इस प्रकार सारे वैल्यू मिल जाएंगे। अब सभी वैल्यूज़ को मिलने के बाद में अभी फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला में फिट कर दीजिए वैल्यूज़, तो आपको आंसर मिलेगा। मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको गॉस फॉरवर्ड फार्मूला से बनाना है और एक क्वेश्चन आपको गॉस बैकवर्ड फार्मूला से बनाना है, आंसर भी मैंने लिख दिया है, इसको कंप्लीट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एम्प्लाय स्टिरलिंग फार्मूला टू कंप्यूट वाई 12.2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो एस की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे स्टिरलिंग फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर एक्स इनमें से कोई एक मिडिल जो पॉइंट है उसको आप एक्स जीरो नाम दीजिए, तो यहाँ पे मिडिल में 12 है, तो एक्स जीरो इक्वल टू में 12 या एच का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो 10 के बाद 11 आया, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आएगा, 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 आएगा, तो एच का वैल्यू 1 है, एच हमारे इंटरवल को बताता है। और एस के वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन में 12.2 है, पी का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स जीरो अपन एच, तो एस के वैल्यू आपके पास है, एक्स जीरो है, एच है, तो पी का वैल्यू 0.2 है। अब आपको एस के वैल्यू लिख लेना है क्वेश्चन में जो दिया गया है, पी का वैल्यू, पी के वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ये कैसे आया, यहाँ से आप देखिए, जब एस के प्लेस पे आप रखोगे 10 और एक्स जीरो प्लस पे 12 रखोगे और एस के वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ पर एस के प्लस पे 10 रखना और एक्स जीरो 12 और एस के वैल्यू 1, तो यहाँ पर माइनस टू आएगा वैल्यू। जब एक्स के वैल्यू 11 रख दोगे तो माइनस वन आएगा, जब एक्स के वैल्यू 12 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, जब एस के प्लेस पे आप 13 पुट कर दोगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ एस के प्लेस पे जब 14 पुट करोगे तो एस पी का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। वाई के वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, आपको फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कैसे निकालोगे, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करोगे, ये फर्स्ट डिफरेंस है, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा दोनों के सेंटर में लिखना है, फिर थर्ड डिफरेंस फोर्थ डिफरेंस है आप निकाल लोगे। अब कुछ वैल्यूज है जो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले वाई जीरो, वाई जीरो क्या होगा, देखो यहाँ पे जीरो है, ये हमारा वाई जीरो हुआ, ये वाला वैल्यू वाई जीरो, ये पी की वैल्यू आप देखना है ना कि हमारा वाई जीरो हुआ। फिर हमें निकालना है डेल वाई जीरो, डेल वाई जीरो मतलब ये वाला लाइन देखो, वाई जीरो वाला लाइन ऐसे ऐसे जाएगा है ना, इस प्रकार से जाता है, मेरा पेन देखिए इस प्रकार से आप जाएगा, तो डेल वाई जीरो ही होगा हमारा है ना, जीरो वाला ही लाइन देखना है, तो ये डेल वाई जीरो हुआ।
फिर हमें चाहिए डेल वाई माइनस वन, वाई माइनस वन ही है, डेल में आप देखिए वाई डेल वाई माइनस वन ही आएगा, ये वाला वैल्यू जो है डेल वाई माइनस वन। फिर हमें चाहिए डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर में आप जाइए माइनस वन में आप देखिए, इस प्रकार से जो माइनस वन वाला लाइन है वो इस प्रकार से जाएगा ऐसे, ये तो ये आपका डेल वाई माइनस वन है, ये डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है, ये डेल क्यूब वाई माइनस वन है। वैसे ही ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन किसके लिए है, माइनस टू के लिए, तो ये आ जाएगा डेल वाई माइनस टू, ये आएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस टू, ये आएगा डेल क्यूब वाई माइनस टू, ये डेल की पावर फोर वाई माइनस टू। इस प्रकार से सारे वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे, स्टीलिंग फार्मूला आपको याद रखना है, वैल्यूज रख दोगे तो आपको वाई 12.2 का वैल्यू मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, बेसस फार्मूलास बनाना है, यहाँ वाई 20, वाई 24, वाई 28, वाई 32 का वैल्यू दिया गया है, एस वैल्यू 20, 24, 28, 32 है, हम इनमें से यहाँ पे दो मिडिल पॉइंट है, किसी एक को आप एक्स जीरो नाम दे दीजिए, या तो 24 को या 28 को, हमने 24 को एक्स जीरो बोल दिया, एच का वैल्यू 4 है, इंटरवल 4 का है, और एक्स इक्वल टू हमारा 25 है, पी का वैल्यू मिल जाएगा 0.25। अब सेंट्रल डिफरेंस टेबल हम बनाएंगे, एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा 20, 24, 28, 32, पी का वैल्यू यहाँ आप एस का वैल्यू फुट करते जाइए, एक्स जीरो फिक्स रखिए 24 पे, एच का वैल्यू 4 रख दीजिए, एस का वैल्यू आप रखते जाइए तो माइनस 1012 आएगा। वाई का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस निकाल लीजिए, ये लाइन माइनस 1 के लिए है, मतलब ये आपका डेल वाई माइनस वन है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है, डेल क्यू वाई माइनस वन है, ये आपका जीरो के लिए है, ये आपका वाई जीरो है, ये डेल वाई जीरो है, डेल स्क्वायर वाई जीरो है। इस प्रकार से वैल्यूस आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब बेसल्स फार्मूला आपको याद रखना है, उस वैल्यू फार्मूला में पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये तीन क्वेश्चन है होमवर्क में, तो इसे आप कीजिए, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, इसको आप स्टाइलिंग फार्मूला से बनाना है, इसको बेसल्स फार्मूला से, इसको भी स्टाइलिंग फार्मूला से, तो एक बार कंप्लीट कीजिए।